बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में यह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या कि टेन थीटा बराबर दिया गया है पी बटे क्यू। तो अगर हम टेन थीटा को बदल देंगे सूत्र में तो टेन थीटा बराबर एक सूत्र और क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो इसके बराबर हो जाएगा ये पी बटे क्यू। तो हमें इतना ज्ञात करना है, यानी कि कितना ज्ञात करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका मान हमको, यानी कि कॉस का मान क्यू दिया हुआ है, तो कॉस का मान हमको क्यू दिया है तो कॉस का मान क्यू लिख लेंगे, फिर प्लस है प्लस देंगे, साइन का मान पी दिया हुआ है तो पी लिख लेंगे, बटे में कॉस का मान क्यू माइनस और साइन का मान पी, साइन का मान पी दिया हुआ है तो पी लिख लेंगे। तो इस तरह का ऑप्शन में कहाँ है, तो इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका जो है कि बी है, बी बिल्कुल सही है। प्रश्न देख रहे हैं, साइन पाई बटे चार माइनस कोस पाई बटे चार का मान होगा, चाहिए कि पाई बराबर होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री, पाई बराबर होता है 180 डिग्री त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 180 डिग्री बटे चार माइनस कोस 180 डिग्री बटे चार हो जाएगा। तो आप इसे कटा दीजिए, तो ये 45 चौके 180, ये आप इसे कटाइए, दो दुना चार और 9 दुनी 18 यानी कि 180, 90 दुनी 180 कर जाएगा, ये भी 2 दुनी 4 और 90 दुना 18 यानी कि 180, तो ये कर जाएगा 9 दुनी 18 और 0 उस पे उतर जाएगा, तो ये भी और फिर कर जाएगा 45 दुनी 90, ये भी 45 दुना 90 कर जाएगा। तो अब आपका आ गया साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री आ गया। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 माइनस कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा √2, तो इसमें एक बार भाग लगाए तो एक ही उतर जाएगा माइनस, इसमें एक बार भाग लगाए तो एक ही उतर जाएगा, तो ये घट के आ जाएगा 0/√2, तो 0/सन्नाटा यानी कि आपका मान हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, जब ऊपर में 0 रहता तो 0 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो प्रश्न देख रहे हैं, 1+cos 60° / 1-कॉस 60° बराबर व्हाट। तो ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है, वन है तो पहले वन लिख देंगे, फिर प्लस कॉस 60° का मान होता है 1/2, फिर बटे वन है तो वन लिख देंगे, माइनस है माइनस दे देंगे, कॉस 60° का मान होता है 1/2। तो अब देखिए इससे 2 × 2 = 3 यानी कि ये हो जाएगा 3/2, फिर बरकी बटे उसके बाद फिर 2 × 2 = 2 में एक चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 यानी 1/2। अब ये क्या आएगा, पलट जाएगा यानी कि 3/2 गुना ये इधर आएगा तो पलट जाएगा यानी कि 2/1 हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा तो आपका बच गया कितना 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है 1+tan²a / sec²a। तो दोस्तों आप सभी एक सूत्र जानते होंगे कि sec²a बराबर होता है 1+tan²a। तो दोस्तों जितना हमको दिया गया है तो इतना हम बैठा सकते हैं यहाँ पे sec²a, तो इसके बदले हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा sec²a / sec²a यानी कि ये कट के कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आपका ये सूत्र था। अगला प्रश्न है साइन 63° / cos 27°। देखिए दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या है कि जब इन दोनों को क्या करिएगा, जोड़िएगा ना, तो 90° होना चाहिए, तो 63 और 27 को जब जोड़िएगा तो 7 × 3 = 10 और 6 × 2 = 8 = 9, 90° पूर रहा है तो समझिए क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा हमेशा। ऐसा जब भी प्रश्न आपको मिले तो ये डिग्री को जोड़ दीजिए, जब आप मतलब इसका मान नहीं जानिएगा, जो भी देगा जिस डिग्री का आप मान नहीं जानिएगा तो उन दोनों को आपस में जोड़िएगा, अगर आपका 90° पूर रहा है तो समझिए एक ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप 1-tan²/1+tan²/45° का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए 1 का तो 1 ही रह जाएगा, फिर माइनस
टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 पे क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, फिर बटे ये 1 तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर 10 45 डिग्री, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इस पे पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1 / 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो अब कितना हो जाएगा यानी कि 0/2 हो जाएगा। जब ऊपर में 0 होता है तो पूरा 0 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, cos पाई बटे 3 का मान क्या होगा, तो पाई का मान त्रिकोणमिति में पाई बराबर होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर लिखिएगा आप cos 180/3, तो 6 * 18 यानी कि cos आपका हो जाएगा 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो 1/2 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री बराबर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू का मतलब गुना, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू का मतलब गुना, पॉइंट मतलब गुना, और cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और गुना cosec 30 डिग्री का मान होता है 2, तो 2 होता है, नए क्वेश्चन से 1 है। अब देखिए ये गुना है तो गुना में ऊपर नीचे कटता है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, अब आपका सभी गुना हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, और ये √3 और √3 यानी कि √3 × √3 बराबर हो जाएगा आपका 9, और ये इससे 3 बाहर हो जाएगा, इसे यानी कि डायरेक्ट 3 लिख करके आंसर दे दीजिए, या तो आप ऐसे लिखिए 3 × 3 और बराबर फिर कितना जाएगा 1/√9, और फिर ये क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि 3 से निकल जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3, तो 1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और यहाँ इंटू है तो गुना हो जाएगा, और इसका मान होता है √3/2, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और फिर माइनस, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √√3/2, और फिर गुना का चिन्ह कुछ नहीं, तो और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो √3/2 × 4 माइनस इधर भी गुना कर देंगे, तो कितना जाएगा √3/2 × 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा एक बार में, तो रूट कितना जाएगा 3 माइनस इधर एक बार में √3, यानी कि बराबर में आपका आ जाएगा 0/4, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही है। अगला प्रश्न है cosec 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो cosec 30 डिग्री का मान होता है 2 प्लस cot 45 डिग्री का मान होता है 1, तो ये दोनों जुड़ के कितना जाएगा 3, तो आपका 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है।